आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भारतेंदु नाट अकादमी संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश एवं गीता प्रशासन द्वारा आगामी 4 से 8 जनवरी तक योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र रामगढ़ताल में 5 दिवसीय आज़ादी का रंग उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन दोपहर 1 से रात्रि 9 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पेशागी परिसर स्थित खुले मंच पर लोक नृत्य एवं लोकगीत के कार्यक्रम और दोनों पेशागी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुल 10 प्रतिष्ठित नाटक निर्देशकों द्वारा निर्देशित नाटक का मंचीय प्रदर्शन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता कर भारतेंदु नाट अकादमी के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने बताया, आज़ादी का रंग महोत्सव पूरे प्रदेश पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसमें नाट्योत्सव के लिए गोरखपुर चुना गया और गोरखपुर में 5 दिवसीय नाट्य समारोह किया जाएगा जिसमें 10 नाटक होंगे। कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, किस तरह का नाटक होगा? इसमें मनोज जोशी का नाम सुना होगा आपने, चाणक्य के नाटक बहुत प्रचलित है, उसके करीब 1200-1500 शोज हो चुके हैं। उसके बाद उन्हीं का एक नाटक दूसरे दिन भी है जिसमें वो एंकरिंग कर रहे हैं, वो है बापू अभी जिंदा है, वो श्यामेन्द्र सिंह जी का डायरेक्टेड है और दिल्ली का है वो नाटक, दिल्ली से। उसके बाद एक नाटक है महाभारत, जिसने देखा होगा महाभारत, उसमें पुनीत दुर्योधन की भूमिका में पुनीत इस्सर जी को देखा होगा, गोपी पेंटल को देखा होगा और पाल जी थे उसमें, ललन पाल, इन तीनों एक्टर का मिला करके वो नाटक तैयार हुआ है महाभारत। वो 2-2.5 घंटे में कोशिश करते हैं कि पूरे महाभारत की हम दिखाएं उसको। साथ ही मालनी जी का एक जब शुदा गीतों पे एक नृत्य बैले है पूरा, क्या वो 8 तारीख को। इसका कोई चार्ज भी लगेगा? इसका कोई चार्ज भी लगेगा? नहीं, सारे कार्यक्रम निःशुल्क हैं और दोनों ऑडिटोरियम मिला करके हैं। 4:30 बजे से होगा छोटे ऑडिटोरियम में और 6:30 बजे से होगा बड़े ऑडिटोरियम में, ये दोनों ऑडिटोरियम मिला करके हैं। माननीय सांसद जी भी रविकिशन जी वो भी एक नाटक 8 तारीख को करेंगे एकल अभिनय में। गुंडा एक नाटक है लिखा हुआ जयशंकर प्रसाद जी का, उसको एकल अभिनय में करेंगे वो। साथ ही हम लोक कला के 5 दिन तक लोक कला के नृत्य और गीत जो हमारे गोरखपुर के और अगल बगल के लोग हैं उनको भी हम मंच दे रहे हैं। नुक्कड़ नाटक में हमारे करीब 70 बच्चे पूरे 7 टीमों में 70 बच्चे हैं और जो पूरे शहर में 5-6 दिन में मिला करके करीब 70 जगह पे नाटक करेंगे वो। तो इस तरह से पूरे नगर में रंगोत्सव का एक उत्साहजनक वातावरण बनाने की